तो ये हमारी राजमा बन के तैयार है। अब इसका ग्रेवी देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है और कितनी ये मसालेदार है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम के आसपास राजमा लिया है। उसे हमने 10 से 12 घंटे पानी में भिगा के रख लिया था और उसे अब कुकर में हम डाल के इसे बॉईल करेंगे। तो कुकर में हम 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी जावित्री और इसमें हम नमक डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे। ये लगभग 6 से 7 सीटी के आसपास हम मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। अभी इधर हम इस टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उन सारे को हमने पीस के इसे रख लिया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच और खड़ा जीरा डाल के इसे प्याज डालेंगे। तो प्याज को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे प्याज को हम अच्छे से गलाएंगे। तो लो फ्लेम पे इसे कवर करके एक बार हम इसे गलाएंगे। अच्छे से प्याज हमारा गल जाना चाहिए। हमें इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंचों पे इसे पकाना है। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड कर लिया है। अब ध्यान रखेंगे नमक हमने राजमा में भी डाला था, तो इसे मिला के हम फिर से कवर करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो बिल्कुल धीमी फ्लेम पे आप पकाएंगे तो प्याज हमारा अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए हमारा प्याज लगभग गल गया है। तो अब हम इसमें टमाटर की जो हमने प्योरी तैयार किया था तो उसे हम डाल के इसमें अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ा तेज कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए और इसका पानी को हमें सुखाना है। तो इसे भूनने के बाद ये देखिए हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को हमने थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में दिया है ताकि इसमें जो थोड़ा सा कलर है वो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि राजमा में आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, तो उससे तीखा तो नहीं होता है लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस मसाले को ज़रूर ऐड करें और इसी प्रकार से इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे लगभग 7 से 8 मिनट तक। ये देखिए हमारा मसाला पैन छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये देखिए हमारा राजमा भी बॉयल हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से पका है। तो इसमें जो पानी हमने डाला था, दुगना पानी डाल के इसे बॉयल किया था हमने, तो सारे पानी को हम साथ में ही डाल के इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। उसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो आप राजमा को पहले धो के अच्छे से उसे बॉयल करेंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारी गाढ़ी बिल्कुल, इसकी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी है। तो अब हम इसमें जो प्योरे हमने तैयार किया था उसके बर्तन में हमने पानी डाल के अच्छे से उसे साफ करके इसमें डाल दिया है। तो इस प्रकार की ये ग्रेवी है। तो आप ग्रेवी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को 2 भागों में काट के इस स्टेज पर यहाँ पर डालेंगे, हम पहले नहीं डालेंगे। तो इसे हम कवर करके पका लेंगे मिर्ची डालने के बाद। तो इसे हम ढक्कन हटाते हैं। तो ढक्कन हटाने के बाद इसमें हम गरम मसाला ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, और हरी धनिया जो कि हमने काट के पहले रखा था। तो इन सबको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी। तो ये राजमा हमारी कितनी अच्छी बनी है, आपको देख के भूख लग गई होगी। तो आप भी इस प्रकार से बनाएंगे इस राजमा की रेसिपी को, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। घर में आए कोई गेस्ट को आप इस प्रकार से बना के उसे दे सकते हैं। तो इसका ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बना है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म राजमे की मसालेदार सब्जी बन के तैयार है। तो आप इस रेसिपी को रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि इसी तरह की रेसिपी हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।